सब दर्शन करने की एक भोलेनाथ जो शिवलिंग निकला हुआ है और बरगद का पेड़ है छोटा सा उसी के जस्ट पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो सीधा झाड़ी के अंदर डाल के लोग चेक किए हैं। अच्छा, काफी अंदर तक था शिवलिंग यहाँ पर साक्षात कर दिखाई दे रहा है। 3 दिन हो गए तो सबसे फिर आज देख रहा हूँ तो बहुत ऊपर ही आ गए। कुछ नहीं था यहाँ पर, कचड़ा वगैरह फेंकाया रहता था, मिट्टी उठी हटा के लोग देखे कि मतलब छोटा सा पत्थर बात है। 4-5 दिन, 4-5 दिन। दोस्तों स्वागत है आज के फिर से एक नए ब्लॉग पर। तो दोस्तों अभी वो गाँव रायपुर में भी शिवलिंग निकला है करके बहुत सारा वीडियो देखे होगी आप, अभी काफ़ी सारा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं वहाँ पर आ गया हूँ सच्चाई जानने के लिए, क्या सच में शिवलिंग निकला है कि नहीं। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर पीछे में हूँ, देख सकते हो वहाँ पर वो बरगद का छोटा सा पेड़ है जिसके नीचे अभी शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं दोस्तों और यहाँ का सच्चाई का पता लगाते हैं यहाँ के लोगों से। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो यहाँ पर सब जितने भी जाने आने वाले लोग सब यहाँ पर आते जा रहे हैं और इन दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों लगभग 3 दिन हो गया बोल रहे हैं, तो आपको पास से दिखाता हूँ, एकदम पास से देख सकते हो बीच में निकला है काला सा है पत्थर, नारियल की वजह से ना दिखाई दे रहा है। और जितने भी लोग आ रहे हैं सब देख सकते हो सबको प्रसाद वगैरह दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं यहाँ के आसपास के लोगों से। बरगद के नीचे में निकला है, देख सकते हो ये गोगांव का पूरा ये लोकेशन है दोस्तों, रायपुर का गोगांव। तो यहाँ पर देख सकते हो ये निकला है शिवलिंग, काला कलर में दिखाई दे रहा है। 3 दिन हो गया बोल रहे हैं यहाँ पर, और भैया यहाँ पर से जो बढ़ रहे हैं देख रहे हैं। और पहले कितना बड़ा था, छोटे से दिख रहे थे, अब बड़े से दिख रहे हैं। पहले आप यहीं लोकल के निवासी हैं? लोकल के हैं। आपको कैसे पता चला पहली बार? पूजा पाठ हो रहा था, हमने देखा। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये निकला हुआ है शिवलिंग, 3 दिन हो गया बोल रहे हैं और लगातार सब लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं। तो लोकेशन कहाँ पर है भैया? ये गोगांव गुजरात आइस फैक्ट्री, गुजरात आइस फैक्ट्री गोगांव पास। पहले यहाँ पास कुछ था कि नहीं था? पहले तो कुछ पेड़ था, ऐसे दिख रहा था। अच्छा, लोगों की श्रद्धा था कि पूजा पाठ हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों 3 दिन हो गए हैं मात्र, और सावन आने वाला है। और वैसे उससे पहले यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का कुछ चमत्कार देखने को मिल रहा है, जो गाँव में यहाँ पर साक्षात निकला हुआ है। तो कमेंट करके जरूर बताना देख कर कि यह क्या है और इसमें कितना सच्चाई है, और एक बार जरूर आकर दर्शन करें यहाँ पर। जय भोलेनाथ। आपका क्या नाम है भैया? राजकुमार साहू। यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग नारियल वगैरह चढ़ा रहे हैं, इससे भी हैं। और दोस्तों यह रोड के किनारे में है ये बरगद का पेड़ जहाँ पर से निकला हुआ है शिवलिंग, और 3 दिन पहले निकला हुआ है यहाँ पर, पहले कुछ नहीं था बोल रहे हैं। और अभी देख सकते हो यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर साक्षात कर दिखाई दे रहा है। और जितने भी सब रास्ते में जाने आने वाले सब देख रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से माता जी आया कर पूछ, कब से देखे हो ये शिवलिंग? 3 दिन हो गए। तो सबसे पहली आप मतलब कौन बताई से यहाँ से जानकारी? अच्छा, तक तो ये है मेन रोड का, यहाँ पर जितने भी सब आ रहे हैं और देख रहे हैं सब दर्शन कर रहे हैं। और ये है जो बरगद का पेड़ है छोटा सा उसी के जस्ट किनारे में निकला हुआ है, और देख सकते हैं सब रोड के आने जाने वाले लोग यहाँ पर सब दर्शन करते जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अंकल जी प्रसाद वगैरह सभी को दे रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी काम वाम में आने जाने वाले राहगीर हैं सब यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर बने हुए हैं सब। और यही बरगद का पेड़ है। और दोस्तों आसपास के लोगों से जानकारी लेते हैं, भैया है 3 दिन हुआ है शिवलिंग बाहर, कैसे निकला भैया, कैसे टाइप जानकारी हुआ भाई? पेड़ के अंदर से निकला है जी अब तो क्या। और पहले यहाँ पास कुछ था? पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो सीधा झाड़ी के अंदर से निकला। अच्छा, तो अभी यहाँ इधर आसपास के लोगों का क्या कहना है यहाँ पर? सभी जने मान रहे हैं भैया, आप लोग तो देख ही रहे हो भीड़ को। हाँ, सभी जने मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर। चलो बढ़िया। अभी इधर कुछ पंडित वंडित जिस से ले मतलब पता किए पंडित वगैरह लोग? पंडित वगैरह तो अभी नहीं, जो भी है हमारा सीट भी अब कर रहा है। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम भैया? कमलेश कुमार भारती। ठीक, बहुत बहुत भैया। पहले कैसा था मतलब साइज में पहले
पहले जो था ना छोटा था शायद, छोटा सा जो शुरू में दिखाई दिया तो हल्का सा दिखाई दे रहा, हल्का सा दिखाई दिया था, जैसे क्या होता है बच्चे उठे आते हैं नहीं, हाँ हाँ घूमने घूमने वाले, हाँ हाँ छोटे होंगे, अच्छा उसमें क्या है ना हल्का सा दिखे, हाँ दो लोग भाग्या कोटा बने, हाँ क्या है ये चीज, अच्छा उनको ऐसा माना गया कि भोले बाबा, हाँ शिवलिंग टाइप का शिवलिंग निकलते हैं, अच्छा उसी को देख करके लोग भगाना चालू कर दिए, भीड़ लगना चालू हो गया, अब आगे खास क्रम देखा जाएगा। मतलब जो शिवलिंग है उसको थोड़ा बहुत हिला के देखियो कि मतलब ये अंदर से अंदर हाथ डाल के लोग चेक किए हैं, अच्छा काफी अंदर तक था, अंदर तक है काफी अंदर तक, अभी तक मतलब थोड़ा बहुत हिला के देखियो, मतलब हिल डूल रहा है कि नहीं डूल रहा है, हिला डुला तो रहे, अच्छा लोगों के अंदर श्रद्धा जगी है, उसकी सेवा हो रही है। चलो बहुत बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। तो ये है भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग निकला हुआ है, और दोस्तों इसे बहुत सारे लोगों ने हिला डुला कर भी देखा है, लेकिन ये टच से मस नहीं हो रहा है, काफ़ी अंदर तक है ऐसा मानना है लोगों का। तो मैं हल्का सा टच करके देख रहा हूँ, जय भोलेनाथ। तो देख सकते हो ऐसा सच में भगवान का एक अनोखा चमत्कार लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर छूने पर लग रहा है सच में वाकई शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ का एक अद्भुत चमत्कार। सावन से पहले यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे लोग आते जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, जितने भी राहगीर हैं सामने जो देख रहे हैं सब रुक रहे हैं यहाँ पर। ही अंकल देख सकते हो आसपास के लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, सभी को जो जानकारी हो रहा है तो यहाँ पर सब दर्शन करने आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे को भी लग रही है काफ़ी सच्चाई है इसमें भगवान भोले, क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ नहीं था बोल रहे हैं, क्योंकि हर समय यहाँ से आना जाना लगा था लोगों का, यहाँ पर नज़र पड़ते रहता था, लेकिन दो तीन दिन पहले अचानक से यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा था शिवलिंग टाइप का। जब आसपास के लोगों को जानकारी हुआ कि यहाँ पर छोटा सा पत्थर टाइप दिखाई दे रहा करके, फिर देखा तो और साफ करके देखा तो ये शिवलिंग टाइप यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हो। और पहले हल्का सा दिखाई दे रहा था, अब काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पहले हल्का सा दिखाई दे रहा था बोल रहे थे सब। आप कहाँ से अंकल? कान में मत लगाओ, मुंह बोलो। हाँ कैसे जानकारी हो आपको? हम लोग ड्यूटी से जा रहे थे। ड्यूटी से जा रहे थे? अच्छा कितने दिन पहले एक बात है? चार पाँच दिन हो गया। अच्छा तो अभी रोज आते हो दर्शन के लिए? तो सच में ये शिवलिंग है भगवान का चमत्कार है जो यहाँ पर दिख रहा है। आओ पूरा हिला उला करके भी देख लिए। अच्छा पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था ना? और नहीं नहीं आपको किसी प्रकार का डाउट है कि यहाँ पर कुछ रखा रखा गया है? नहीं 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 हम लोग आए थे वो 10-12 आदमी थे, तो हम लोग पूरा उसको ऐसे हिला करके देखे, लेकिन कुछ भी नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों ये सच में भगवान का एक अद्भुत चमत्कार है जो यहाँ पर लोगों का भी मानना है कि यहाँ पर कुछ नहीं था या किसी प्रकार का कोई भी पत्थर वगैरह रखा नहीं गया है, ये भगवान साक्षात्कार अंदर से निकला हुआ है जड़ के नीचे से, जो देख सकते हैं यहाँ पर बरगद वृक्ष की जड़ के नीचे से निकला हुआ। अच्छा देख सकते हो बता रहे कि हाल दोस्तों यहाँ पर लगातार सभी लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, सब नारियल वगैरह चढ़ा रहे हैं देख सकते हो। तो देखकर कमेंट करके जरूर बताएं ये क्या है सच में भगवान का एक अनोखा चमत्कार है, या फिर आपको क्या लगता है अपनी कमेंट करके राय में जरूर दीजिए। और देख सकते हैं बहुत बरगद जो है छोटा सा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैसे भी आप पहली बार देखे थे तो कैसा लग रहा था ये? अरे पहली बार तो आए थे तो एकदम मतलब नीचे था और उसके बाद देख रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर आया, फिर आज देख रहा हूँ तो बहुत ऊपर ही आ गए। अच्छा ऐसा क्या? तो आप कितने दिन पहले देखे थे? अरे हो गया तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है? अच्छा आप यहीं पर रहते हो? यहीं? हाँ हाँ यहीं रहते हैं। तो क्या सच में भगवान है भोलेनाथ का शिवलिंग जो शक्ति तो है भोलेनाथ का? ऐसा तो है नहीं, सूर्य और चंद्रमा है धरती पर तो मान के चलिए कि शक्ति है। अच्छा कुछ भी हो सकता है। हाँ वो तो है, सही बात है ना। हाँ मानने मानो तो देव, नहीं तो मानो तो पत्थर है ना। सही बात है, मानने मानने की बात है। अभी आप कहाँ जा रहे थे? अभी जा रहा हूँ मैं ड्यूटी जा रहे हो, तो अभी रोज दर्शन करते यहीं से फिर चले जाते हो? चलो बहुत बढ़िया। तो देख सकते हो दोस्तों हर हर महादेव। तो
तो इनका भी मानना है कि पहले ये छोटा सा दिख रहा था, हल्का सा, अब बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी लोग देख सकते हो, और कंटिन्यू सब आ रहे हैं, और यहाँ पर भीड़ भी लगा हुआ है काफ़ी, और दर्शन कर रहे हैं सब। तो माना जाए तो सच में ये चमत्कार से कम नहीं है जो देख सकते हैं। यहाँ पर बारीकी से एकदम पास दिखा रहा हूँ, और एक बार जीते भी अगर जिसको भी अगर लग रहा है कि ये अफवाह है, फालतू है, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर दर्शन करने आए। वो गांव अंदर जाने वाला रास्ता में यहाँ पर है, और आपको मैं दोस्तों दिखा दिया जो अभी कुछ दिन पहले मेरे को कोई बताया था यहाँ पर ऐसा हुआ है करके, लेकिन मैं विश्वास नहीं किया। लेकिन आकर एक बार देखा तो मुझे लगा यहाँ पर सच में ये कुछ अनोखा चमत्कार है, तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया और आप लोगों को दिखाया। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर सच में रियलिटी है तो हर हर महादेव, और एक बार ज़रूर दर्शन करने आए यहाँ पर, जो गुड़िया लोग जितने भी आते जाते रहे सब दर्शन करने के लिए। यह जैसे किनारे किनारे मिट्टी टाइप दिख रहा है, ये कैसे है, ये पहले से है अभी का है? हमने देखा था ये गंदा पड़ा हुआ था। अच्छा, तो आज ऐसी सीमेंट बालू अभी ला के ऐसे ही डाले। अच्छा, तो पहले यहाँ पास कुछ नहीं था, ये किनारे किनारे खाली पीली था। तो खाली पीली था, तो ये बस शिवलिंग बस दिखाई दे रहे दिख रहा था बस। अच्छा, ऐसा क्या शिवलिंग केवल दिख रहा था, किसी में ला के थोड़ा रखिए, क्या इसका चल ले जाते हैं लोग। हाँ हाँ, ऐसे लेते हैं, गंदगी थी इसको साफ किए। अच्छा, ऐसा क्या? तो दोस्तों देख सकते हो ये जो किनारे किनारे दिख रहे हैं वो कंक्रीट का है, सीमेंट का है, जो कल ही इन लोग लगाए हैं। बाकी तो पहले यहाँ पास कुछ नहीं था, बस मात्र शिवलिंग ही दिखाई दे रहा था। तो ये किनारे किनारे में जल वगैरह जो है ले जाते हैं, इसलिए यहाँ पास थोड़ा सा स्त्रोत बनाने के लिए ये किनारे किनारे में लगाए हुए हैं। और बाकी देख सकते हो यहाँ पास सांप और दर्शन भी करने आ सकते हैं। तो देख, और आज से यहाँ पर प्रसाद वगैरह नारियल वगैरह फोड़ना और बांटना चालू किए हैं, काफ़ी लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो यहाँ पर पब्लिक को देखते हुए प्रसाद वगैरह सब बांटना चालू किए हैं। और देख सकते हो अभी भी यहाँ पर लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, और यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं ये भैया, क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत सारा कचरा फेंकाया रहता था, और यहाँ पर ये उसी कचड़ों के बीच में यहाँ पर ये शिवलिंग छोटा सा पत्थर के रूप में दिखाई दे रहा था। तो फिर एक आदमी ने आकर अचानक से देखा, और उसे थोड़ा आभास हुआ तो सभी को सूचित किया यहाँ पर। और देख सकते हो आज यहाँ पर पूरा पूजा वगैरह चालू हो गया है, सब नारियल वगैरह फोड़ रहे हैं और दर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो से आने का रास्ता, और एक है इधर से अंदर जाने का रास्ता, और उसी के जस्ट किनारे में यहाँ पर है ये शिवलिंग जो अभी देखने को मिल रहा है। सामने में एक दुकान वाला है, चाय दुकान वाला, उससे थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, जो कंटिन्यू यहाँ पर लोगों का देख रहे हैं एक्टिविटी को, तो चलिए यहाँ पर जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकान वाला है। कैसे पार कर रहे थे तो कैसे पता चला? वहाँ गाड़ी पार करते हैं, दो चार बाइक वहाँ खड़ी रहती है। हाँ हाँ, तो वहाँ गाड़ी पार करते समय वहाँ ध्यान गया पेड़ के पास। अच्छा, वहाँ एक छोटा सा पत्थर दिखा। हाँ हाँ, शिवलिंग आकार का। उसके बाद वहाँ से मिट्टी उट्टी हटा के लोग देखे कि मतलब छोटा सा पत्थर है या कुछ है, तो अंदर तक था। अच्छा, तो वहाँ से लोग बोलने लगे शिवलिंग है, देखने में शिवलिंग जैसा लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? तो यही स्टार्टिंग है, कितने दिन पहले की बात है भैया? करीबन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। आप यहीं लोकल निवासी? जी नहीं, मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ, यहीं बगल में रहता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों लोगों का मानना है कि यहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्किंग होता था, कुछ कुछ गाड़ी, तो यहाँ पर एक आदमी था जो गाड़ी पार्किंग कर रहा था, फिर उसको अचानक से दिखाई दिया, तो फिर उसने यहाँ पर हल्का से पत्ता वगैरह को हटाया और कचड़ा वगैरह को हटाया, तो वो पत्थर टाइप दिखाई दे रहा था ये जो शिवलिंग है। फिर उसने पूरा और अच्छे से दिखाई दिया, और उसको हिला डुला कर देखा, तो उसे आभास हो गया कि है वाकई में एक अनोखा चमत्कार है और शिवलिंग है, और ये किसी प्रकार का कोई पत्थर नहीं है। फिर आसपास लोगों को सूचित किया, फिर यहाँ पर देख सकते हो आज लगभग 3-4 दिन हो गए, और यहाँ पर लोगों को आना जाना लगा हुआ है, और दर्शन वगैरह कर रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो ये देख सकते हो।
तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यह दो तीन दिन पहले दोस्तों जड़ के एकदम अंदर में था, खोल में, और हल्का सा दिखाई दे रहा था जो शिवलिंग है वो। और दोस्तों एक दिन बाद ही यहाँ पर पूरा जड़ के अंदर से बाहर आ गया और देख सकते पूरा गोल सा दिखाई दे रहा था। सबसे शुरू दिन में यह पूरा हल्का सा दिखाई दे रहा था, एक कोना ही बस दिखाई दे रहा था इसका, और आप देख सकते पूरा पूरा यहाँ पर निकल चुका है, बाहर आ गया है, और काफ़ी बड़ा भी दिखाई दे रहा है और पूरा पूरा दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यह अनोखा चमत्कार है, सावन से पहले यहाँ पर रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में यह गाँव में ही हुआ है यह अनोखा चमत्कार। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जगह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।